नमस्कार दोस्तों, आज इस लेसन में एक बहुत ही प्यारा गीत सीखने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब का हारमोनियम के ऊपर। और गाने का नाम आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। और बताना चाहूँ, इस गाने का जो राग है, राग खमाज पर आधारित है। इसमें लगभग जो यूज़ हो रहे हैं स्वर सारे ही शुद्ध हैं, बस एक ही स्वर कोमल यूज़ हुआ है, वो है कोमलनी। तो स्वर देख लीजिए, सा रे गा मा पा धा कोमलनी और तारसत्ता का सा, ठीक है जी। और पहली काली से इसको मैं निकालने जा रहा हूँ, वैसे इस गाने का स्केल कुछ और है। तो चलिए इस गाने को देखते हैं, बाकी कोशिश रहेगी आपको हर एक लाइन की नोटेशन इस वीडियो में दिखती रहे। सो पहली लाइन से शुरू करेंगे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। ये आपकी पहली लाइन, स्लो करके बजाता हूँ थोड़ा मैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ठीक है जी। नोटेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है। रिम झिम बरसता सावन होगा, दूसरी लाइन देखते हैं। रिम झिम बरसता सावन होगा, ठीक है। तीसरी लाइन, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, कैसे फिर से देखते हैं। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, फिर वही आ जाएगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ठीक है जी। देन गाने का अंतरा पाठ देखते हैं, अंतरा पाठ भी आपका सा से ही शुरू होगा। तो पहले देखते हैं, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, ठीक है। पहली लाइन देखते हैं फिर से, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर वही लाइन रिपीट होगी। प्रेम की गली में, फिर उसके बाद एक छोटा सा वेरिएशन, ओ ये कैसे बजेगा, ओ फिर से रिपीट करता हूँ मैं ये पार्ट। प्रेम की गली में ओ, फिर वही लाइन आ जाएगी। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, फिर लास्ट लाइन इस पार्ट की, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, फिर वही आ जाएगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ठीक है। बड़ा ही इजी गाना है, दो चार लाइन आपको सीखनी है और बैठ। बाकी मैंने कोशिश करी है कि जितना आसान से आसान तरीके से मैं आपको बजा के दिखा सकता था मैंने बजा के दिखाया, और बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आपको नोटेशन वीडियो में डिस्प्ले हो ही रहा है। सो कोशिश करिए इस गाने को बजाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते अगली वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार।